8 अप्रैल 2018 को गांधी मैदान में हम अलग राजनीति का एक फैसला लेंगे। इसीलिए आपके नजदीक हम आए हैं कि आप आइए। और वही नहीं है, क्या हो गया कि उनको पेंशन नहीं मिल रहा है? पत्रकार बंधु गरीब होते हैं, यहाँ बैठ करके रात दिन मेहनत करते हैं। ये ठीक है कि इनके जो बड़े लोग वहाँ हैं वो जो कुछ करते करते हैं, बिना का नहीं, खजाना नहीं खुल रहा था। अब जीतन मांझी जिसको लोग पागल बता दिया था, तो हमारे सामने जब बात आई तो DGP चीफ सेक्रेटरी और वही मृत्युंजय जी को बुला करके हम कहा क्या दिक्कत है, हम चाहते हैं कि 13 महीना का पे मिले। आज 13 महीना का पे इन लोगों को मिल रहा है, जो आज समान काम के लिए समान वेतन का मामला चला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को कह दिया, अब बिहार सरकार अब कमेटी बना करके जो आदेश है, कमेटी बना के देखेगी कि समान काम के लिए समान वेतन क्या दें। तो ये तो क्रिटिसिज्म की बात हो जाती है, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फेंका हुआ थूक को सरकार को थूक चटवा दी, थूके ने चटना पड़ा। अगर यही जीतन मांझी तय कर दिया था, जीतन मांझी की बेटी ऐसे रहती है, हमको साड़ी बढ़िया नहीं देते हैं, तो पढ़ावेगा, उसका दिमाग तो रहेगा फंसा हुआ, यही कारण है कि पढ़ाई ठीक नहीं होती। इसीलिए हम कहते हैं कि हम सबको समान वेतन मान देंगे और काम पूरा लेंगे, क्योंकि गरीब को पढ़ाने वाला वो लोग है, गरीब के बच्चा पढ़ेगा, ये हमारी सोच थी। भाइयों से कहेंगे कि अगर ये नहीं हुआ तो 8 अप्रैल 2018 को हम एक तरह से टारगेट दे दिया है, चाहे भारत सरकार की योजना हो चाहे बिहार सरकार की योजना हो, अगर लागू कर दिया दोनों हाथ से समर्थन देंगे, अगर लागू नहीं हुआ तो हम अगला रणनीति तय करेंगे। तो कहा है कि उपचुनाव में हम लड़ेंगे, 3 उपचुनाव है और एक चुनाव तो हमारा ही क्षेत्र से है, जहानाबाद से और रोहतास से और इधर अररिया से। तो अररिया से भी कुछ हमारे साथियों ने हमसे मांग किया है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जहानाबाद से भी लोगों ने मांग किया है कि हम लड़ना चाहते हैं और बहुत मुस्तैदी के साथ लड़ना चाहते हैं। तो हम इस बात को NDA के साथियों से वार्ता करेंगे और वार्ता करके चाहेंगे कि हमको एक विधानसभा का और एक पार्लियामेंट का सीट हमको दें। तो बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिहार सरकार को इसके लिए स्पेशल अभियान चलाना चाहिए, लेकिन समाज का भी इसमें सहयोग चाहिए। जो आज अपराध हो रहे हैं राजनीतिक कारणों से भी हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग गांव घर में रहते हैं जाते हैं, क्या कारण है कि एक समाज और दूसरे समाज की बात करते हैं, अगर 100 वाक्य होते हैं तो 75 और 80 वाक्य एक समाज के लोगों से ही हो रहा है। ये सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से ऐसा हो रहा है, उस पर समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए और सरकार को काफ़ी इस पर संवेदनशील होकर।